हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक शॉर्टकट मेथड फॉर डेरिवेटिव। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन है डेरिवेटिव का ये फॉर्म में है, ओके, डेरिवेटिव ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी, ओके, वेयर ए बी सी डी इज एनी कांस्टेंट नंबर और ये एफ ऑफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर आपका ये क्वेश्चन ये फॉर्म में है तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए अभी हम एक फॉर्मूला देखेंगे जिसके हेल्प से आप ये विद इन 3 to 5 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, व्हाट इज़ अ फॉर्मूला फॉर इट। अगर आपका क्वेश्चन है ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी के फॉर्म में, अगर नहीं है तो पहले आप ये फॉर्म में अरेंज कर लीजिए, ओके। तो अगर आपका ये फॉर्म में आ गया क्वेश्चन और उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम देखिए स्टूडेंट्स ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फार्मूला? डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोएफिशिएंट ए बी सी डी जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आपको लिखना है स्टूडेंट, इनटू एफ डैश एक्स, मतलब ये गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव, अपॉन जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, विद इन 5 सेकेंड आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसके हेल्प से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये जब भी आप एप्टीट्यूड या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं, तो ये शॉर्टकट मेथड्स के जो फार्मूलाज होते हैं उसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, उससे जस्ट हमें आंसर वेरीफाई करना रहता है, अप्रॉक्स आंसर लाने की कोशिश करनी रहती है, जितना कम समय में आंसर आए उतना अच्छा रहता है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, फार्मूला चाहिए, जितने आपके पास फार्मूलेज है वो आपको याद होने चाहिए और आपके पास वो उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे क्या होगा आपका टाइम अपने आप कम होते चला जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है स्टूडेंट, आपका स्पीड बढ़ाना सेकेंड थिंग होती है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो ये व्हाट इज़ ए, ए इज़ 3, बी इज़ 2, सी इज़ 4, डी इज़ 5। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी सी डी, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस एक्स, अपॉन जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे और उसका होल स्क्वायर दे देंगे। तो ये देखिए 15 - 8 - 7 कॉस एक्स अपॉन 4 sin x + 5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो ये विद इन हम फ्यू सेकेंड्स में इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, सिर्फ आपको इस पर प्रैक्टिस चाहिए, आपका इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डेरिवेटिव ऑफ 2e x - 3/7e x + 4, यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 - 7 - 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e x का, e x ही होता है और जो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसका हमें होल पावर लिखना है, हमने लिख दिया। अभी डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, 4 - 8 - 8 - -21, तो 21 + 8 - 29, 29 e x / 7 e x + 4 - 2, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए कितने हम इजीली आंसर को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, आप भी और भी एग्जांपल्स ट्राई कीजिए आपके टेक्स्ट बुक से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, 5 log x + 1/3 log x - 2, तो यहाँ पर व्हाट इज ए, ए बी सी डी, ठीक है। तो हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, -10 - 18 - 28 हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये -28 log x का डेरिवेटिव 1/x अपॉन जो डिटरमिनेंट्स है जो डिनोमिनेटर है उसका होल पावर, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इसको पहले क्या कर लीजिए, आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए और इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, आपके जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं उसके हिसाब से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, और वीडियो के एंड में छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कुछ इशू है या फिर आपका कुछ सजेशन है तो भी वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए,
ओके स्टूडेंट्स, मैंने ट्राई किया हुआ है कि मैक्सिमम जो पॉसिबल जिस पे शॉर्टकट बन सकता है उस पे मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम वीडियो में बनाऊँ। ठीक है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।